हाय एवरीवन, आपको क्लियर विजिबल हो रहा है और आवाज क्लियर आ रही है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जो भी ज्वाइन हुए हैं। मैं एक 5 मिनट वेट कर लेती हूँ, सब ज्वाइन हो जाए। आज की रेसिपी है हमारी पान का शरबत, बहुत ही रिफ्रेशिंग बनने वाली है। जो पान लवर्स है उनको तो बहुत पसंद आने वाली है। आपको ज्यादा से ज्यादा हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जो भी नए हैं उनको मैं अपना इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जॉइस केयर किचन से मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज है, जहाँ मैं समय समय पे लाइव आके और आपको सिखाती रहती हूँ, तो आप उसको जरूर से लाइक और फॉलो कर लें। आज की रेसिपी है वो आज की हमारी रेसिपी है वो पान का शरबत है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रेश पान है वो चाहिए। रेसिपी है वो मैं आपको दे दूंगी। यहाँ मैंने 5 पान लिए हैं, आप छोटे लो तो 8 से 10। ये हमें कलकत्ती पान लेने हैं, इसका टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा होता है। आपको आवाज में बिल्कुल विजिबल है ना, आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है? आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो ये स्टेम पार्ट है इसको हमें हटा देना है। तो मैं इसको कैंची से कट कर देती हूँ। हमें इस तरह इसको कट कर लेना है। राधे राधे जी। तो मैंने इसका ये स्टेम पार्ट है पान का वो हटा दिया है। आपको कलकत्ती वाला पान है वो लेना है, ठीक है? अब मैं इसको छोटा छोटा कट कर लेती हूँ। हमें इसको ग्राइंड करना है, तो इसके लिए हमें इसको कट कर लेना है। बहुत ही रिफ्रेशिंग बनेगा। आप मिल्क शेक में यूज कर सकते हो, आप शरबत के जैसे बना सकते हो। प्रेरणा जी, जय जिनेन्द्र। तो इस तरह मैंने पान को छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके अलावा जो हमें चाहिए वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। हमें पान है वो कलकत्ती वाला पान है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसके अलावा यहाँ 2 टेबल स्पून जितना सौंफ है उसको हमें 3 to 4 आवर्स है वो भिगा के रख देना है। ये आपको बहुत ठंडक भी देगा। और इसके साथ ही इसके अंदर ही मैंने इस इलायची होती है ना जो हरी वाली, इसको भी भिगा दिया है। 2-3 इलायची है उसको भिगा देना है। इसके साथ ही हमें ये जो गुलकंद है ये चाहिए होगा। तो ये सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ग्राइंड करना है। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है मिक्सर जार में डाल के। इसके साथ ही मैं जो हमारा सौंफ है भिगा हुआ वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको हमें चर्न कर लेना है। एक स्मूथ सा पेस्ट है। हाय सालिनी जी। तो मैं इसका एक पेस्ट है वो करवा रही हूँ। इसके साथ ही हमें ये गुलकंद है वो भी हमें इसके साथ ही एड कर देना है ताकि हमारा सब कुछ है वो इसके अंदर पिस जाएगा।
हमें सौंफ का जो पानी है वो भी इसमें यूज कर लेना है और इसका एक पेस्ट है वो बना लेना है। तो मैं पेस्ट है वो बनवा रही हूँ। हेलो शेखर जी। हाय नेहा जी, गुड इवनिंग। आप उसमें आज ज्वाइन नहीं हुए थे हमारी शॉर्टवे वाली क्लास में। तो यहाँ इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो हम देख लेते हैं। यहाँ 250 ग्राम हमें, 300 ग्राम हमें चाहिए शुगर, और चाहिए हमें साइट्रिक एसिड यानी नींबू का शर्बत होता है जो चाहिए। तो जब तक हमारा ग्राइंड हो रहा है मैं इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। ये शुगर और 250 ml वाटर है, ये डाल के हमें इसका एक सिरप है वो बना लेना है। यहाँ शुगर और पानी को मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, ये हमारा बॉइलिंग कंसिस्टेंसी तक आ जाएगा। तब तक आपका कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हमारा पान है वो ग्राइंड हो रहा है। यहाँ हमें 8 से 10 पान चाहिए। कलकत्ता वाला पान मेरे पास बहुत बिग साइज का था तो मैंने 5 लिया था। ये अभी हमारा देखिए सेमी ग्राइंड हुआ है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल के इसको पेस्ट जैसा हमें कर लेना है। अभी देखिए ये सेमी जैसा ग्राइंड हुआ है तो अभी थोड़ा सा मैं इसको और ग्राइंड करवा रही हूँ। हंस जी हेलो, अच्छी हूँ मैं। यहाँ हमें ओकेजनली स्टिर करना है चीनी को और पानी को। हाय मालती जी, शरबत में आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड हो तो आप बताइए, मैं आपको लाइव में आकर सिखाऊंगी। यहाँ मैंने शेयर करोगे आपका, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैंने अभी हाथों हाथ ही मैसेज डाला था है ना, तो बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच पाया होगा। यहाँ हमने 300 ग्राम शुगर और 250 ग्राम वाटर है वो लिया है रेशियो। और यहाँ देखिए हमारा जो पान है वो अच्छे से ग्राइंड हो गया है। देखिए पान की एक चटनी जैसी है ना, तैयार हो गई है। इसको आप विदाउट कलर और विदाउट एसेंस भी बहुत अच्छा ये तैयार होता है। तो आप लोग इसको मतलब बहुत, और पान बहुत हेल्दी होता है, जिनको पान पसंद है उनको भी, और पान खाया हुआ भी बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें हमारा आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है। इसको हमें अब क्या करना है, छान लेना है।
पान का एक्सट्रैक्ट है वो नीचे छन के निकल जाए। और सौंफ भी देखिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, सौंफ इलायची सभी चीजें इसमें जाती है ना, वो बहुत ठंडक भी देती है समर्स में और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको हम सीव करेंगे, इसका हमें निचोड़ के वो सारा एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लेना है। हेलो सीमा जी, हेलो वर्षा जी। पान के अंदर फाइबर कंटेंट है ना बहुत अच्छा होता है। हम आज बना रहे हैं पान का शरबत, समर स्पेशल पान का शरबत बना रहे हैं, जिसको आप शरबत यूज में ले सकते हो, सेक के यूज में ले सकते हो, बहुत सारे यूजेज में आप इसको ले सकते हो। अभी मैं एक दिन आपको खसका और बताऊंगी, खसका भी बहुत रिफ्रेशिंग होता है। इसका हमें ऐसे दबा के और इसका सारा एक्सट्रैक्ट है वो निकाल लेना है। देखिए हमारा एक्सट्रैक्ट है वो निकल गया। अब इधर यहाँ हमारा बॉईल भी आ गया है, तो ये सारा मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसका हमारा देखिए बिल्कुल नेचुरल कलर है और देखिए आप कलर। बहुत अच्छी सी एरोमा आ रही है जब हम नहीं फिक्स तो कहाँ होता है, आप पेज को फॉलो करके रखिए तो आपका आ जाएगा नोटिफिकेशन है वो। फिक्स जब कर देते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, इसलिए मैं फिक्स नहीं करती। और अभी हमारी अभी क्लास खत्म हुई है शोरबे की, तो इसलिए मैंने उसका थोड़ा सा क्लास में देखे और मैं बोली मैं लाइव में दिखाती हूँ। पान का और खस का शरबत भी देखिए बहुत अच्छा होता है और हम खस की लकड़ी से बनाएंगे। तो आज तो मैं आपको पान का बताऊंगी, नेक्स्ट में जब आऊंगी तो आपको खस का वो भी खस की लकड़ी से बनाना, यानी नेचुरल तरीके से हम शरबत है वो किस तरह बना सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है जो शरबत का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो सेल करते हैं। तो आप प्रॉपर तरीके से, मैं इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रही हूँ, आप चाहो तो KMS नाम का एक प्रिजर्वेटिव आता है जो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा और वो डाल के आपका ये आपका एक साल तक प्रिजर्व आप रख सकते हो। महीने दो महीने काम में लेना है, आप फ्रिज में रखिए आपका चल जाएगा। बट यदि हमें ज्यादा टाइम रखना है तो फिर हमें तो शायद इस पे तो डाला था मैसेज डाली हमने ब्रॉडकास्ट बोला लोग। अब हमें इसका वन स्ट्रिंग है ना, उससे पहले वाली स्टेज तक हमें पकाना है। जब हमें आप यू चेक करोगे वन स्ट्रिंग बनने लग जाए उस स्टेज तक हमें इसको कुक करना है। हम पान का शरबत बना रहे हैं आज, नेचुरल वे में हम पान का शरबत बना रहे हैं जिसमें हम एसेंस वगैरह कुछ नहीं यूज करेंगे। बहुत अच्छा ये शरबत बन के तैयार होता है। आप चाहो तो एसेंस वगैरह डाल सकते हो, आप कम पान यूज करना चाहो तो आप पान का एसेंस है फिर वो यूज कीजिए। पान का शरबत हम समर स्पेशल पान का शरबत है वो बना रहे हैं और नेक्स्ट हम खस का शरबत है वो बादाम का, ठीक है बादाम का सिखा दूंगी मैं। वैसे तो
देखिए मैंने YouTube पर सारी रेसिपी डाल रखी है, बादाम का शरबत, पिस्ता का शरबत, केसर का शरबत। आप वहाँ जाके यदि आपको जल्दी हो बनाने की तो वहाँ जाके आप बिल्कुल, आपको बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी का आप शरबत बन के तैयार होगा। हमें वन स्ट्रिंग बनने लग जाए उस स्टेज तक हमें इसको कुक करना है। स्वाति जी आप किसका बोल रहे हो? अच्छा वो, हाँ नहीं उसका तो क्लास लेके आऊंगी, आपने बोला था ना उसका मैं क्लास। इसका एक्सट्रैक्ट सारा निकल जाएगा, फिर हमारा उसका कुछ भी नहीं बचेगा। हमें मेन जो चाहिए वो हमारा इसमें निकल आएगा। आप 2 टाइम ग्राइंड करके आपको लगे इसमें कुछ बच गया है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप और ग्राइंड करके और निकाल सकते हो। फिर भी आपको लगे तो उसको सुखा दीजिए और सूखा हुआ पाउडर है वो यूज कर लीजिए। पान का जो पाउडर है वो हमारी चॉकलेट्स में बहुत सारी चीजों में काम आ जाता है। हम बना रहे हैं पान का शरबत। समर सा तो रिफ्रेशिंग सा ये शरबत तैयार होगा, जिसको आप शरबत के तौर पे पी सकते हो, सेक्स में भी आप इसको मिल्क के साथ भी यूज कर सकते हो, आप इसको लस्सी में भी यूज कर सकते हो। तो मल्टीपर्पज है, ये आपका काम में आने वाला है। जब हम इसको डालेंगे और लास्ट में हमारा जब लास्ट ड्रॉ पे ऐसे एक तार जैसा निकलेगा, कैसे आप चेक करोगे, तो वन स्ट्रिंग निकलेगा तो हमारा वन शौक का भी ठीक है पता। शौक का शरबत भी गर्मियों में बहुत ज्यादा वो ठंडक देने वाला होता है। आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। शोरबेट एक फ्रूट डेजर्ट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब हमारा शरबत बन जाएगा। तो हमारी क्लास अभी कंप्लीट हुई है। एक फ्रूट डेजर्ट है, बहुत ही औसम है और बहुत ही हेल्दी भी है। लाते हैं तो अभी हमारा पता चल रहा है, जब लास्ट ड्रॉप है वन स्ट्रिंग से पहले वाली स्टेज है हाफ स्ट्रिंग जितना निकलना चाहिए। एक चपचपी सी चाशनी है ना, आप यूं चेक करोगे तो आपको यूं चपचपाट है वो हाथ में मिलेगा। और ये हाफ स्ट्रिंग जितनी हमारी रेडी हो गई है तो गैस की फ्लेम मैं इस स्टेज पे बंद कर देती हूँ। जैसे ये गाढ़ा होगा ना ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमें जो ये सिट्रिक एसिड है वो डाल देना है। ठीक है मैं कर लूंगी, पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर लूंगी। तो ये गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। सिट्रिक एसिड शरबत में मस्ट होता है, वो क्या है कि जो हमारा शरबत में चीनी जमने वाली प्रक्रिया है उसको रोक देता है। इसको मैं अभी ग्लास में तो है ना बोतल में डाल के और बाद में पीकर वो अपडेट करूंगी। अभी हमें इसका आप कलर चेक करना है। आपका जब भी रेडी हो जाए आप इसको सेल आउट भी कर सकते हो और घर के लिए भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। जी 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 पीनट फज, ठीक है मैं नोट डाउन कर लूंगी आपका, वो भी जरूर से बताऊंगी। ठीक है, और ये हमारा देखिए ये ठंडा होगा तभी इसकी परफेक्ट है ना कंसिस्टेंसी का पता चलेगा।
इसमें इतनी अच्छी अरोमा आ रही है तो मेरे हिसाब से ओके ओके ठीक है ना। अब इसका इस तरह का कलर है, आपको चाहिए कि हमें थोड़ा सा डार्क कलर मोर चाहिए तो हमें क्या करना है, इसमें जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करना है ग्रीन कलर। आप घर के लिए बना रहे हो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन जब हमें सेल आउट करना होता है तो हमें एक प्रॉपर कलर है वो चाहिए होता है। तो आपको ग्लास में शरबत को डालना है और पानी डाल के देखना है कि हमारे शरबत का कलर कैसा तैयार हुआ है, और उस हिसाब से ही फिर आपको ऐड करना है ग्रीन कलर। जैसे ये हमारा नेचुरल है तो हम इसमें एसेंस वगैरह बहुत अच्छा, इसमें फ्रेग्रेंस है तो डालने की जरूरत नहीं है। यदि आप कम पान का यूज कर रहे हो तो आप जो पान एसेंस है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये लिटिल कूल हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी पिक अपडेट करूंगी। अब हम मैं जो मेरी शोरबे ग्लास है उसका आपको दिखाती हूँ। मैं रेसिपी आपको इसमें दे दूंगी, अभी है ना ऊपर है वो रेसिपी पोस्ट कर दूंगी। नहीं ग्रीन कलर ये वाला, देखिए गीता जी फैब का है ना पान एसेंस बहुत अच्छा है, मैं उसका ही यूज करती हूँ और बहुत हमें लिटिल उसको यूज करना होता है तो फैब का एसेंस है ना वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। ये हमारी शोरबे की क्लास आज ही कंप्लीट हुई है तो उसका मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से फ्रूटी डेजर्ट है, बहुत औसम है। आप किसी को भी ज्वाइन करना हो तो अब आप कर सकते हो, मेरी वीडियो है वो आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। ये हमने 5 फ्लेवर है वो क्लास में कवर किए थे। अभी हमने क्लास में स्कूप करके दिखाया था और ये देखिए ये कीवी का है, ये कच्चा मैंगो, ये मैंगो, एक बनाना। ये सिर्फ नाइस कलर ही नहीं है, ये टोटली फ्रूट से बनता है। देखिए कलर के साथ साथ ये हमारा हेल्दी भी है, टोटली फ्रूट से ये डेजर्ट तैयार होता है और समर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इजीली स्कूप हो जाता है। ये हमारे 5 फ्लेवर है जो हमने शोरबे के कवर किए हैं। इसके अलावा हमारा पाइनएप्पल का भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो 6 हमने किए हैं कवर, और इसका मैं स्कूप निकाल के आपको दिखाती हूँ। एकदम इजीली है ना स्कूप हो जाता है, और ये टोटल पूरा हमारा इसका फ्रूट पल्प है।
तो ये हम मैंने जो स्कूप किया है वो कीवी का है, ये कच्चा मैंगो है, ये मैंगो है, ये बनाना मस्क मेलन, और इसके अलावा हमने पाइनएप्पल भी कवर किया है। तो एक और मैं आपको दिखाती हूँ, एक और स्पून से चाहेंगे ना तो ये स्पून से भी हो जाएगा इसको, इतना ये सॉफ्ट है। इसकी फीस 199 है। ये चम्मच में निकाल रखते हैं। ये हमारा मस्क मेलन का है और ये हमारा कीवी का है। थैंक यू एवरीवन। आप लोग पान का शरबत है लिटिल, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, अभी कंप्लीट ठंडा नहीं हुआ है, जैसे ही ठंडा होगा मैं आपको इसकी पिक है वो अपडेट कर दूंगी, है ना। इसका टेस्ट, इसका टेस्ट, ये ओनली फ्रूट पल्प और लिटिल सुगर है उससे बना हुआ है और औसम इसका टेस्ट है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, तो अब मैं लाइव है वो, आपको आप सबने ज्वाइन कर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम एक शरबत के साथ फिर मिलेंगे। हाय रोज जी, आपने लेट ज्वाइन किया है, अब हमारा सेशन है वो कंप्लीट होने वाला है। तो थैंक यू एवरीवन। आइसक्रीम में तो देखिए क्रीम वगैरह, ये हम ओनली फ्रूट पल्प से बनता है, फ्रूट और शुगर सिरप से। बाय बाय।